students, in today's video we are going to discuss Henry's law. Actually, Henry's law is based on the solubility of gaseous solute in liquid solvent. और ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट अगेन मैं इनमें से कुछ टॉपिक्स वापस से डिस्कस कर देता हूँ कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो किसी भी गैसियस सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट पे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से फर्स्ट फैक्टर जो था दैट वाज नेचर ऑफ गैस। इसमें हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के गैसेस को हमने कंसिडर किया था, फर्स्ट वन इज टेम्परेरी गैस, सेकेंड वन इज परमानेंट गैसेस। टेम्परेरी गैसेस में HCl है, अमोनिया है, H2S गैस है। इन दिस गैसेस इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर ये हाई होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ा है, दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस स्टार्ट्स लिक्विफाइंग। तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो इजिली लिक्विड के सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, इसलिए उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि परमानेंट गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन दीज गैसेस इनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है। अब इनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, इसका मतलब इसका एड्सॉर्प्शन रेट भी लो है, दैट्स वाई इनकी सॉलिबिलिटी वाटर में लेस होती है। दूसरा फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के लिए, दैट वॉज टेम्परेचर। एज वी ऑल नो दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दैट मीन्स द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। रीजन वॉज सिंपल कि टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल मोशन जो है गैसियस पार्टिकल का वो बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड वो फेज आउट हो जाते हैं लिक्विड में से, दैट मीन्स वो सॉल्यूशंस में से बबल आउट हो जाएंगे। तीसरा फैक्टर जो था दैट वॉज प्रेशर। प्रेशर जो है एक ऐसा फैक्टर है जो सॉलिबिलिटी को बढ़ा रहा था। कैसे? बिकॉज जब हम किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, दैट्स वाई पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर अगर आप ज़्यादा गैसेस पार्टिकल्स को कंप्रेस करके उनका प्रेशर बढ़ा के उनके सरफेस पे स्ट्राइक करवाएंगे, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल गैस के लिक्विड के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो तीन फैक्टर्स थे, टेम्परेचर, नेचर एंड प्रेशर, उनमें से प्रेशर वाले फैक्टर को हेनरी ने यूज़ किया अपने लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हम हेनरीज लॉ को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैशियस सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैशियस सॉल्यूट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैशियस सॉल्यूट। अब यहाँ जो प्रेशर की बात हो रही है ये एक्चुअली पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, यानी किसी भी गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो किसी भी लिक्विड पे डिपेंड करता है उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है। सपोज लिक्विड में मैंने कंसिडर कर लिया कि दिस लिक्विड इज वाटर, तो वाटर इज अवर सॉल्वेंट। अब सपोज इस कंटेनर के ऊपर एक गैस प्रेजेंट है और उस गैस के पार्टिकल्स को मैं इस ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूं, ये उस गैस के पार्टिकल्स हैं। और ये जो गैस है इसको मैं कंसिडर करता हूं गैस ए। अब ये जो गैस ए के पार्टिकल्स हैं ये जो इस लिक्विड सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये आके यहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे टकरा रहे हैं, तो इसके कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये प्रेशर है पी ए, ये गैस का प्रेशर है। अब जितने भी गैस के पार्टिकल सरफेस पे टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा और उस प्रेशर के कारण गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में डिजॉल्व होंगे। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल डिजॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन सपोज मान लीजिए एक दूसरा गैस भी साथ में प्रेजेंट है, ये मैंने ग्रीन कलर से उसको एक्सप्रेस किया। अब ये जो दूसरे पार्टिकल्स है गैस के, इसको मैंने कंसिडर कर लिया कि दिस इज गैस बी। अब ये जो गैस बी है ये भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज प्रेशर बी। अब ये जो प्रेशर ए है और प्रेशर बी है ये दोनों डिफरेंट गैसेस के हैं। प्रेशर बी जो है वो गैसियस पार्टिकल बी के कारण क्रिएट हो रहा है, तो जितना प्रेशर बी होगा उसके कारण बी के पार्टिकल डिजॉल्व होंगे
और जो प्रेशर ए का होगा उसके कारण ए के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे। दोनों प्रेशर्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों प्रेशर्स आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करने वाले। यानी कोई भी गैस के पार्टिकल अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो इंडिविजुअली डिपेंड करते हैं उसके खुद के प्रेशर पे। दैट्स व्हाई देयर पार्शियल प्रेशर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस। यहाँ पे दोनों गैसेस अगर आपस में भी मिल जाती हैं तो इट डजंट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट्स। तो यही हेनरी ने स्टडी किया। तो हेनरी ने इसके बेसिस पे हमें बताया कि किसी भी गैस की अगर हम बात करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है उस इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर पे, जो प्रेशर वो उसके सरफेस पे क्रिएट कर रहा है। अब इसको कंसिडर करके उन्होंने एक इक्वेशन बताई। लेकिन यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करें? सॉल्युबिलिटी का मीनिंग यहाँ पे हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे एक्सप्रेस करें? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स थे जो कि हमने सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट वेज थे उनमें मोलारिटी थी, नॉर्मैलिटी थी, मोलारिटी थी, फॉर्मैलिटी थी, मोल फ्रैक्शन था, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे। तो हेनरी ने उन एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन सेलेक्ट किया जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हेनरी ने हमें बताया किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड, और उस सॉल्युबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया मोल फ्रैक्शन में। इसके बेसिस पे जो इक्वेशन क्रिएट हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। द सॉल्युबिलिटी को उन्होंने पार्शियल प्रेशर के साथ इस तरह से रिलेट किया। उन्होंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ हुआ क्या है, जो हमने अभी हमने डिस्कस किया कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बस उसी इक्वेशन को उन्होंने अपोजिट लिखा। अब इन्होंने बताया कि जो भी गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन पे। यानी पहले मैंने आपसे क्या बताया कि किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर जितने ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा और वही गैस उतना ज़्यादा उस लिक्विड में डिजॉल्व होगा। अब इसका ऑपोजिट हम बोलें तो वो भी पॉसिबल है कि किसी लिक्विड में जितने ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन अवेलेबल होगा उस लिक्विड के सरफेस पर ऊपर उतना ही उस गैस के पार्टिकल्स का पार्शियल प्रेशर होगा। यानी दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पे इन्होंने जो इक्वेशन बनाई वो कुछ इस तरह से है कि लिक्विड के सरफेस पे जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर उस गैस के कितने मोल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है अगर हम उसको हटाएं तो इक्वेशन में क्या आएगा, तो पी इज इक्वल टू के एच एक्स। दिस इज हेनरीज लॉ। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर एक नया टर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज के एच। अब ये के एच क्या है, तो दिस के एच इज एक्चुअली हेनरीज कॉन्स्टेंट। अब ये जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि ये है तो कॉन्स्टेंट लेकिन इसकी वैल्यू डिफरेंट केसेस में चेंज हो जाती है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया वो कुछ इस तरह से है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा गैस का पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन पे जो कि उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम के एच की बात करते हैं, तो अगर हम के एच का वैल्यू निकालने जाएं तो के एच इक्वल्स टू क्या होगा, के एच इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स। तो अगर के एच की वैल्यू पी अपॉन एक्स है तो के एच की यूनिट क्या होगी, तो आप अगर यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर में हमारा जो न्यूमरेटर है दैट इज प्रेशर। अब प्रेशर की जो जनरल यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, या तो हम बार यूज़ करते हैं या तो हम यूज़ करते हैं एटीएम, उसके अलावा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, टॉर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स पॉसिबल है, बट केमिस्ट्री में हम लोग जनरली बार और एटीएम यूज़ करते हैं। अब ये जानते हैं कि जो नीचे हमारा मोल फ्रैक्शन है ये एक ऐसा टर्म है जो कि यूनिटलेस है, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर यूनिटलेस है, ऊपर वाला जो प्रेशर है उसकी यूनिट हमें पता है। तो के एच की जो यूनिट है वो भी बार या एटीएम आएगा, यानी के एच की यूनिट जो है वो प्रेशर की यूनिट में ही एक्सप्रेस होगी। अब इस के एच की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि के एच की वैल्यू है तो कॉन्स्टेंट बट डिफरेंट कंडीशंस में ये चेंज हो जाती है। अब ये कौन कौन से केसेस पे के एच की वैल्यू चेंज हो जाती है, एक होता है फर्स्ट गैस के ऊपर डिपेंड करता है के एच की वैल्यू। जैसे सपोज गैस ए है तो गैस ए की के एच की वैल्यू अगर सपोज एक्स है तो गैस बी की के एच की वैल्यू वाई होगी,
यानी दोनों गैसेस की KH की वैल्यू सेम नहीं होगी। ओके, अब इसमें सेकेंड जो फैक्टर आता है वो आता है सॉल्वेंट। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि गैस ए जो है वो जो KH की वैल्यू X शो कर रहा था, सपोज वो X वैल्यू तब शो हो रहा था जब सॉल्वेंट वाटर था, और यहाँ पे जो गैस बी है जो KH की वैल्यू Y शो कर रहा था, ये तब शो कर रहा था जब सॉल्वेंट वाटर है। लेकिन अगर हमने सॉल्वेंट को वाटर से चेंज कर दिया तब ये दोनों वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, यानी अब ये X नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो KH की वैल्यू है पहले डिपेंड क्या कर रहा है कि गैस कौन सा है। सपोज गैस ए के लिए KH की वैल्यू X थी और गैस बी के लिए KH की वैल्यू Y थी, बट ये वैल्यू कब थी, जब हमारा सॉल्वेंट दोनों केसेस में वाटर था। बट जैसे ही सॉल्वेंट चेंज होगा तो ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, यानी KH की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस, KH की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें एक तीसरा फैक्टर भी आ जाता है जो कि है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करें कि जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर किया जो कि था गैस ए एंड गैस बी जिनकी वैल्यू थी एक्स और वाई, जो कि कब प्रेजेंट थे, जब वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट था। अब यहाँ पे टेम्परेचर सपोज हमारा जो है दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर, और इसके लिए भी 298 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, सपोज 298 की जगह 300 केल्विन हो गया, तो ये जो वैल्यू है एक्स और वाई ये भी चेंज हो जाएगा। यानी अब हम देख सकते हैं कि टोटल तीन फैक्टर्स हैं। KH की वैल्यू डिपेंड करती है गैस के नेचर पे, सेकेंडली KH की वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, और थर्ड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। यानी सेम गैसेस डिफरेंट सॉल्वेंट्स पे डिफरेंट KH शो करेंगे, सेम गैसेस डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट KH शो करेंगे। अब KH के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि KH की वैल्यू जो है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। उसके लिए हम ये टेबल को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम जो टेबल है उसमें डिफरेंट गैसेस के एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो एग्जांपल्स हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट KH शो कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन देखिए फर्स्ट केस 293 केल्विन पे जो KH की वैल्यू है दैट इज 76.48 यूनिट इज किलो बार। नाउ यही सेम जो नाइट्रोजन गैस है ये 303 केल्विन पे 88.4 KH शो कर रहा है, दैट इज इन किलो बार। अब आप यहाँ देख सकते हैं गैस सेम है नाइट्रोजन, बट क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है 293 से 303 केल्विन हो रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इससे हमने एक क्या चीज़ सीखी कि टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है गैसेस की प्रॉपर्टी में कि जब गैसेस सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यह सीखा कि टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ती है और साथ साथ में जो भी गैस है उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ऑक्सीजन गैस का आप देख सकते हैं कि 293 केल्विन टेम्परेचर पे KH की वैल्यू है 34.86 किलो बार। अब यही सेम ऑक्सीजन जब 303 केल्विन पे है तो उसकी KH की वैल्यू है 46.82 किलो बार। यानी ऑक्सीजन का टेम्परेचर जब बढ़ा तो KH की वैल्यू बढ़ी, और अगर KH की वैल्यू बढ़ी होगी तो आपको पता है कि सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी फिशेज हैं या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब आप सबने सुना होगा कि जब टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाता है ओशियंस का, लेक्स का, पॉन्ड्स का, तो जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है उनको ब्रीथ करने में दिक्कत होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है, ये जो अभी आपने यहाँ टेबल पर देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो KH की वैल्यू बढ़ जाती है, और उस गैस की जब KH की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो गैस जो है उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स जब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है ये वाटर बॉडीज़ का, तो उसके कारण जो ऑक्सीजन गैस जो है जो ऑलरेडी उस वाटर बॉडी के अंदर डिजॉल्व है उसका प्रपोर्शन कम होने लगता है, जिसके कारण जो भी एक्वेटिक लाइफ उसको ब्रीथ करने में दिक्कत आती है। इस तरह की जो फिनोमिना है, अगर ये ह्यूमंस के कारण क्रिएट हुआ, ये तो नेचुरली क्रिएट हुआ, लेकिन कभी कभार क्या होता है जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे, जैसे पावर प्लांट है जहाँ पे उनके जो भी उनके प्लांट्स होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए कूलेंट यूज़ करते हैं, समटाइम वाटर इज ऑल्सो यूज एज अ कूलेंट। अभी जो गर्म पानी है ये लोग समटाइम क्या करते हैं, ये एक्चुअली पॉल्यूटेड वाटर नहीं होता है इसलिए वो लोग डायरेक्टली उसको रिवर्स में छोड़ देते हैं। अब ये जो रिवर्स में ये जो जाके पानी, गर्म पानी मिक्स होता है, इसके कारण जो टेम्परेचर है वहाँ का बढ़ने लगता है, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उनको ब्रीथ लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन,
ठीक है, तो ये आपको अब शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों गर्म पानी मिलने से एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उसका रीज़न ये है, मैं बहुत गर्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत गर्म होगा तो फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो परेशान होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में चेंज आने के कारण भी जो KH के वैल्यू उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसके कारण सॉलिबिलिटी गैस की डिक्रीज हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, अब उन एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा गैस है जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और वो गैस कौन सा है, तो आप देख सकते हैं वो गैस है हीलियम। हीलियम गैस का जो KH वैल्यू है दैट इज़ 144.97 किलो बार। दैट मीन्स ये गैस वाटर में सबसे लीस्ट सॉल्युबल गैस है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया कि लीस्ट सॉल्युबल गैस है, क्योंकि इसका जो है, इसका जो यूज़ है वो आगे हम पढ़ेंगे, तब आपको ये पता चलेगा। यहाँ पे एग्जांपल्स में एक और चीज़ देख सकते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड गैस जो है वो दे रखा है, उसकी जो वैल्यू है वो है 1.83 × 10⁻¹⁵ किलो बार, जो कि सबसे छोटी है वैल्यू। इसका मतलब आई थिंक ये जो गैस है ये वाटर में सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होता है, मोस्ट सॉल्युबल है। ये जितना भी टेबल में जो डेटा दे रखा है ये सिर्फ उस कंडीशन पे, उस कंडीशन को मेंशन कर रहा है जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो फाइनली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो KH की वैल्यू से सॉल्युबिलिटी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि KH टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली अगर हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि KH बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि प्रेशर बढ़ने से जो है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब हेनरीज लॉ का लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन में सबसे पहली बात करेंगे कि आप लोग सब जानते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनको हम दो केसेस में हम स्टडी करते हैं, एक होता है आइडल गैस, एक होता है रियल गैस। अब आइडल गैस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आपको पता है आइडल गैस उस गैस को बोलते हैं जो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यानी अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होगा तो आप जानते हैं कि पीवी अपॉन एनआरटी इज इक्वल टू 1। इसी को हम बोलते हैं जेड, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। लेकिन आप जानते हैं कि आपके आसपास में जितनी भी गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं, और अगर वो फॉलो करती हैं तो कुछ सर्टन कंडीशंस पे फॉलो करती हैं। तो जो गैसेस आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं वो आइडल नहीं होती, उन्हें बोलते हैं रियल गैस। तो जो हमारे गैसेस सॉलिड होंगे वो सारे रियल गैसेस होंगे। तो रियल गैसेस कौन से कंडीशन पे आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, तो आपने ये 11th में पढ़ा है कि वो कंडीशन है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यहाँ पे भी हमें बोला गया कि हेनरीज लॉ उन सभी गैसेस सॉलिड पे अप्लाई हो सकता है जो आइडल बिहेवियर शो करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब ये जो हाई टेम्परेचर है जिस पे ये आइडल गैस की तरह बिहेव करती है, इस टेम्परेचर को हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर भी बुलाते हैं। ये भी हम लोगों ने 11th में गैस लॉ में पढ़ा है। तो जो गैसेस बॉयल्स टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे आइडल बिहेवियर शो कर सकते हैं वो सभी गैसेस हेनरीज लॉ को फॉलो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, दूसरा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि ये जो गैसेस सॉलिड जो हैं जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना करें सॉल्वेंट के साथ, उन सब पे हेनरीज लॉ अप्लाई होगा। अभी आपने पढ़ा है कि जो गैसेस की जो पार्शियल प्रेशर है वो डिसाइड करता है कि कितना मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड में डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर गैस लिक्विड के सरफेस पे अटैच होने के साथ साथ एसोसिएशन या डिसोसिएशन चालू करे, जैसे कि कोई आयनिक गैस है, जैसे HCl की बात करें, अगर HCl की अगर हम बात करेंगे तो HCl वाटर में जब जाएगा तो HCl गैस जो है वाटर में जाने के बाद आप जानते हैं कि H+ और Cl- जो है इस फॉर्म में आ जाता है, जो कि अब गैस नहीं रहा, अब वो एक्वस फॉर्म में आ चुका है। तो ऐसे केस में डिसोसिएशन हुआ, तो ऐसे केसेस में हेनरीज लॉ जो है वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा। तो हेनरीज लॉ के लिए एक लिमिटेशन ये भी है कि हम उन्हीं गैसेस को हेनरीज लॉ के अंदर स्टडी कर सकते हैं जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते समय किसी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो ना करें। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हमें बोला गया है कि जो गैसेस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के बाद किसी तरह का केमिकल रिएक्शन ना शो करें, उन पे हेनरीज लॉ अप्लाई होगा। अब क्यों नहीं करना चाहिए हेनरीज लॉ उन गैसेस पे जो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, उसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे आप हम कुछ गैसेस की बात करते हैं, जैसे सपोज हम बात करते हैं NH3 की, अमोनिया अगर आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अमोनिया जो है वो H+ वाटर का जो है एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है NH4+ एंड OH- आयन में, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। लेकिन बाद में ये दोनों आयन्स आपस में कंबाइन होके NH4OH बन जाते हैं, जिसके कारण सॉलिबिलिटी जो नॉर्मल कंडीशन है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो क्योंकि ये दोनों गैसेस अमोनिया NH2 जो है ये आपस में ये दोनों चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, दैट्स वाई
ये जो सॉल्युबिलिटी है वो नॉर्मल जो आनी चाहिए उससे ज़्यादा वैल्यू शो करेंगी। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे सपोज हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 गैस को अगर हम लोग वाटर में अगर हम डिजोल्व करने जाएं, वाटर इज अ लिक्विड, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, CO2 और H2O मिलके H2CO3 बन जाता है एक्वस, जो कि कार्बोनिक एसिड होता है। यहाँ पे भी रिएक्शन होता है, इस रीज़न से कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे कंडीशंस पे हेनरीज लॉ को हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें बोला जाता है कि हेनरीज लॉ हमें कहाँ अप्लाई करना है, हमें उन कंडीशंस पे अप्लाई करना है जहाँ पे किसी तरह का केमिकल रिएक्शन ना हो। तो हमारे पास तीन कंडीशन कौन से हैं, सबसे पहला कंडीशन है कि जो गैसेस आइडल बिहेवियर शो करते हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे, दूसरा जो गैसेस किसी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं शो करते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा कंडीशन ये है कि जो सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शंस शो नहीं करते हैं, वहां पे हेनरीज लॉ को हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो हेनरीज लॉ को ऐसे कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, इवन हमारे डेली लाइफ में भी यूज हो रहा है, हमें वो डिस्कस करना है। तो चलिए फर्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं जहाँ हेनरीज लॉ यूज हो रहा है। तो टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कोल्ड ड्रिंक जो है, या फिर सोडा वाटर है, बियर है, शैंपेन है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉटल्स को प्रेशराइज कर देते हैं। आप सब जानते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी है, तो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है आप जानते हैं कि उसके जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है, और यहाँ पे एक्चुअली गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं। आप जैसे ही पहली बार बोतल को ओपन करते हैं तो आपने जो है वो महसूस किया होगा कि उसमें से गैस रिलीज होती है। अब ये जो गैस रिलीज़ हो रही है एक्चुअली क्यों रिलीज़ हो रही है, बिकॉज बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1 atm होता है, जबकि अंदर का जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली 1 atm से ज़्यादा होता है। यानी एक्सटर्नल प्रेशर लो है, इंटरनल प्रेशर हाई है। अब इंटरनल प्रेशर हाई होने के कारण ही जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो इस जो सॉल्वेंट है, इस बोतल के अंदर जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर डिजॉल्व होता है। अगर आप इस बोतल को ओपन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज़ होने के साथ साथ ही गैस के जो पार्टिकल्स हैं जो बोतल के अंदर थे वो बाहर निकलने लगेंगे, यानी वो बाहर फेज आउट हो जाएंगे, बबल्स आउट हो जाएंगे। तो ये फैक्टर के कारण ही जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल हैं उनके अंदर जो गैस होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उस गैस को प्रेशराइज करके उसके अंदर पैक करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर हमें डिस्कस करना है जहाँ पे हेनरीज लॉ यूज़ होता है, दैट इज़ द ऑक्सीजन गैस एंट्रिंग इन टू अवर लंग्स। आप सब जब ब्रीथ करते हैं, आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें आप जानते हैं कि जब आप ब्रीथ इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है वो एयर के साथ आपके लंग्स के अंदर फिल हो जाता है। अब क्योंकि आप ज़्यादा अमाउंट में एयर को अंदर ब्रीथ करते हैं तो आपके जो लंग्स के अंदर है वो एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, साथ में ऑक्सीजन का प्रेशर भी बढ़ जाता है। हेनरीज लॉ में हमें यही सिखाया है कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जो प्रेशर है ऑक्सीजन का बढ़ने के कारण हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोलाइज होते हैं, आपको पता है जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर ब्लड फिल होता है, उसके साथ जो हमारा ऑक्सीजन वो इंट्रैक्ट करता है। अब इस इंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए एक फैक्टर और प्रेजेंट है, वो है हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है जो सॉल्युबिलिटी को और बढ़ाता है। इस रीजन से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं। फिर हमारा जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है तो हर एक टिश्यूज तक हमारा जो ऑक्सीजन वो पहुंच जाता है। अब टिश्यूज जो आपको पता है कि वो जब अपना प्रोसेस करती हैं तो वो ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं, तो जो टिश्यूज़ के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन था वो कम हो जाता है। अब जो नया ऑक्सीजन ब्लड के साथ टिश्यूज़ के पास पहुंचता है उसका प्रेशर ज़्यादा है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इसलिए ऑटोमेटिकली जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर हमारे ब्लड का ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है टिश्यूज़ के अंदर। तो टिश्यूज़ क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका प्रेशर अब टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा है और ऑक्सीजन के हमारे जो ब्लड के अंदर कम है वो बाहर आ जाता है। इन शॉर्ट हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ वापस लेके बाहर छोड़ देती है। तो इस तरह से जो हमारा ये हेनरीज लॉ जो अभी हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी का, वो हमारे डेली लाइफ में ड्यूरिंग अवर रेस्पिरेशन भी यूज़ होता है। नाउ अगला जो फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करते हैं सी डाइवर्स के लिए। आप जानते हैं कि जो सी डाइवर्स जो होते हैं ये काफ़ी गहराई तक डाइव करते हैं। अभी भी आपने एक जो टॉपिक पढ़ा हेनरीज लॉ, उसमें आपने पढ़ा है कि प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
अब जो सी डाइवर्स हैं वो जितनी ज़्यादा गहराई में सी के जाएंगे वहाँ उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो भी वो जो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन का, उसके अंदर जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी उनके ब्लड के अंदर बढ़ने लगती है। अब क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसके कारण हमारा जो बॉडी है उतना अमाउंट में ब्लड में से ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर पाता है। अब वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक जो कंडीशन तब क्रिएट होती है जब वो डाइवर जब सरफेस की तरफ वापस आने लगता है। अब जब डाइवर सरफेस की तरफ वापस ऊपर आने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो है प्रेशर कम होने लगेगा। प्रेशर कम होते ही जो भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ था वो डिसॉल्व होने के कारण अब जो है वो बबल्स बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम होने लगी। अब ये जो बबल्स बनते हैं इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग या बेंड्स बोलते हैं। ये जो फिनोमिना है ये बबल्स क्रिएट कर देते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है, एज वेल एज ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसको सम टाइम हम एक अलग टर्म से भी डिस्क्राइब करते हैं, इसे हम बोलते हैं डीकंप्रेशन सिकनेस। ये एक मेडिकल टर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं, डीकंप्रेशन सिकनेस। ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, डाइवर्स में। जब डाइवर्स कभी नीचे से ऊपर सरफेस की ओर आने लगते हैं तो उनका जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे बबल्स क्रिएट होते हैं और ये बबल्स जो होते हैं ये जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन हैं उनको डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो ये इस कारण से हम जो हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज़ कर रहे हैं जो डाइवर्स होते हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरा नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2% ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और 98% हीलियम यूज़ करते हैं। आप अब यहाँ सोच सकते हैं कि इन्होंने हीलियम ही क्यों यूज़ किया होगा, तो उसके दो कारण, एक तो आप जानते हैं हीलियम एक इनर्ट गैस है, यानी अगर वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता भी है तो वो किसी भी ब्लड के दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग तो ये हमारे लिए वो सेफ रहेगा। सेकेंड थिंग, हीलियम सेलेक्ट करने का एक कारण ये भी है क्योंकि अभी अभी हमने जो एक ऊपर टेबल देखा था तो आपको याद होगा उसमें हाईएस्ट वैल्यू हीलियम की थी, 144 समथिंग वैल्यू जो थी। अब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की ही वैल्यू थी। वैसे भी आप जानते हैं हमारा जो ब्लड है उसमें भी 90% वाटर ही है, एज अ सॉल्वेंट जो हमारा जो प्लाज्मा है ब्लड में वो वाटर से ही बना हुआ, वाटर बेस्ड है। तो हीलियम गैस जो है वो एक्चुअली वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है। यानी इस केस में जो अभी हमारा प्रॉब्लम था कि अगर गैस डिसॉल्व हो गया तो उसके बबल्स बनेंगे, तो बबल्स बनने के चांसेस एक तो कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। दूसरा, अभी इसमें एक चीज़ और है कि अभी कई बार जो है हीलियम गैस की जगह नाइट्रोजन गैस भी यूज़ किया जा रहा है जिसकी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से कम है। तो इस कारण से हम लोग प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज़ नहीं करते हैं, जो डाइवर्स होते हैं वो प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज़ नहीं करते हैं, उसमें दूसरे गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इस फिनोमिना को रोकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड के अंदर कोई दूसरा गैस डिसॉल्व हो जाए तो वो फिनोमिना जो है वो एक तरह का टॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जो इसमें इसमें मेंशन नहीं किया बट इन जनरल हम डिस्कस कर सकते हैं, माउंटेनर्स। अब जानते हैं जो माउंटेनर्स हैं जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई हिमालय पे गया या फिर मनाली शिमला कहीं पे भी गया, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे गया, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। अब क्योंकि हेनरीज़ लॉ में हमने पढ़ा है कि प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अब वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा उसका भी प्रेशर कम होगा। अब ऐसे केस में जो माउंटेनर्स अगर ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो ब्रीथिंग होगा वो रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल है ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में वो कम हो चुका है, और उनको अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उनके ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे केस में उनके दिमाग तक, उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो लो हो जाएगा, उनके कारण जो है उनकी जो सोचने की शक्ति है, उनकी जो थिंकिंग है वो स्लो हो जाएगी, वो टायर्ड फील करेंगे, उनको हेलुसिनेशन टाइप का फील होने लगेगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण जो ऑर्गन्स होते हैं उन तक ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसको अगर हम टिश्यू लेवल पे अगर हम बोले तो इसे हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो टिश्यूज तक पहुंचने में कम हो जाता है। तो माउंटेनर्स में ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। ये भी एक हेनरीज़ लॉ का ही लाइफ एग्जांपल है। इसके कारण माउंटेनर्स भी जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो दे प्रिफर टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने हेनरीज़ लॉ के देखे। तो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले देखा हेनरीज़ लॉ। हमने पढ़ा कि हेनरीज़ लॉ जो एक्चुअली वो गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट का ही केस है, और ये जो टॉपिक है इसमें हेनरी ने हमें ये बताया कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी एक्चुअली उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है जो वो उसके सरफेस पे शो कर रहा है, उस लिक्विड के सरफेस पे शो कर रहा है। और ये जो पार्शियल प्रेशर है ये इंडिविजुअली हर एक गैस के लिए डिफरेंट है, और हेनरी ने इसी जो फिनोमिना है उसको कंसिडर करके अपना इक्वेशन बनाया, दैट इज़ पी इक्वल्स टू के एच एक्स। यहाँ पे के एच जो था वो हेनरीज़ कॉन्स्टेंट था,
और ये हेनरीज कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है एक्चुअली वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट होती है, और सेम गैसेस की डिफरेंट सॉल्वेंट में भी डिफरेंट होती है। अब ये जो KH की वैल्यू थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ जाती थी, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सो हम ये भी बोल सकते हैं कि KH की वैल्यू बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और KH की यूनिट क्या थी? बार, ATM या फिर प्रेशर की कोई दूसरी यूनिट भी हो सकती है। और अभी हम लोगों ने हेनरीज लॉ का लिमिटेशंस देखे थे, जिसके अंदर हमने पहला लिमिटेशन पढ़ा था कि जो गैसेस आइडल बिहेवियर शो कर सकती हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, दूसरा जो गैसेस किसी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना शो करें, और जो गैसेस किसी तरह का केमिकल रिएक्शन ना शो करें। और एप्लीकेशन में हमने एक देखा जो कि प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो फिल्ड बोटल्स होती हैं, दूसरा हमने देखा लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर, तीसरा हमने देखा जो डाइवर्स होते हैं उनके लिए, और चौथा एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो है माउंटेनर्स के लिए। सो आज के टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो आगे आप जो भी रिवाइज करेंगे उसमें आप एक बार रिविजन के बाद ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करिएगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।